हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेनिता क्लासेस में। दोस्तों, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया है NCERT से, और अब हम इस पर क्वेश्चंस को देखेंगे। हमने जिपमर के क्वेश्चंस को देख चुके हैं, 11 ईयर के क्वेश्चंस को। अब हम देखेंगे नीट 31 ईयर क्वेश्चंस को। दोस्तों, हमारा पहला जो टॉपिक है वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से हमारा पहला क्वेश्चन है पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट। दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाओ, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। वीडियो को आखिरी तक दोस्तों जरूर देखना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो, ताकि हमारे सब्सक्राइबर जल्दी से 1000 कम्प्लीट हों। दोस्तों, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बहुत सारे बुक के क्वेश्चंस, जो कि नीट और एम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे, ताकि आपका कभी भी एग्जाम में क्वेश्चंस की कमी ना महसूस हो कि हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं की है। और खूब सारा क्वेश्चंस करो, और अपने स्पीड को बढ़ाओ, क्वेश्चंस करने की स्पीड को बढ़ाओ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के अपलोड किए जाएंगे। जैसा आप रिस्पांस दिखाओगे, उस हिसाब से यहाँ पर वीडियो अपलोड किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करो। प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सही बात है, प्रोटिस्टा में हमारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, तो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉपिक हो सकते हैं। प्रोटिस्टा को केवल यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक्स के लिए बनाया गया था। उसमें हमारे फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों हो सकते हैं। प्रोटिस्टा में हमारा सेलवाल भी पाया जा सकता है, और विदाउट सेलवाल वाले भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर सम फंजाई आर इडिबल, सही बात है, कुछ फंजाई खाने लायक होते हैं। फिर ऑप्शन सी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनरा, ये गलत है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा अब्सेंट होता है मोनेरा में, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, प्रोकैरियोट होता है। एंड ऑप्शन डी है कि सेलवाल इज अब्सेंट इन एनिमेलिया, सही बात है, सेलवाल अब्सेंट होता है इन एनिमेलिया। तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। तो आप दोस्तों सभी जानते होंगे कि हमारा मोनेरा क्या होता है। मोनेरा भी हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उसमें हमारे बैक्टीरिया आते हैं। क्या आते हैं, बैक्टीरिया, प्रिमिटिव सेल्स आते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा क्वेश्चन नंबर टू है कि फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाई RH Whittaker इज नॉट बेस्ड ऑन, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सजेस्ट किया गया था RH Whittaker के द्वारा, वो किस पर बेस्ड नहीं था। ऑप्शन ए है कि प्रेजेंस आर अब्सेंस ऑफ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रेजेंस आर अब्सेंस मतलब उपस्थित हो या ना उपस्थित हो, क्या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। हम देखे थे कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की चर्चा नहीं की गई थी, वहाँ पे सेल्स की चर्चा की गई थी। अगर ऑप्शन की बी की बात की जाए तो मोड ऑफ न्यूट्री मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हाँ चर्चा किया गया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हाँ RH Whittaker का क्लासिफिकेशन है, और हमने जब NCERT पढ़ रहे थे तो हमने बताया भी था कि इस पर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, इसलिए इस पर ध्यान देना, और ये NCERT का ही क्वेश्चन है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और कम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो हम सभी जानते हैं कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पर भी चर्चा किया गया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक, ठीक है, चर्चा किया गया हुआ है। कम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की कम्प्लेक्सिटी पे, तो यूकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक्स, ठीक है, और सेलवाल, इन सब पर हम चर्चा किए हुए थे। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट गलत है कि प्रेजेंस आर अब्सेंस ऑफ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये हमारा RH Whittaker का क्लासिफिकेशन नहीं था। हम अगर बात करें फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो ये प्रपोज किया गया था RH Whittaker के द्वारा। कब प्रपोज किया गया था, 1969 में। और ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड था, इनकी जो क्राइटेरिया थी वो थी कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर मतलब प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स, फिर कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। तो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी अगर बात की जाए तो मतलब यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम, ये सब चीज़ें चर्चा। तो कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी उन्होंने RH Whittaker ने लिया था। फिर मोड ऑफ ऑप्टेनिंग न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते हैं, ऑटोट्रॉपिक है या हेटरोट्रॉपिक है। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कैसे वो उत्पन्न हुए, उनका विकास कैसे हुआ, इवोल्यूशन की चर्चा। तो उस इवोल्यूशन की वजह से हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी आ जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की। थ्री में है कि व्हाट इज द कॉमन अबाउट ट्राइपैनोसोमा नॉक्टिलुका मोनोसाइटिस एंड गैडिया। ठीक है दोस्तों, हम सभी जानते हैं ट्राइपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी है, और इसको तो हमने पढ़ा हुआ है। हमारा ये नॉक्टिलुका हमारे NCERT में नहीं दिया हुआ है, मोनोसाइटिस भी नहीं दिया हुआ है, और गैडिया भी नहीं दिया है। तो दोस्तों
आप इनके बारे में कहीं से भी पढ़िए, क्योंकि अगर नीट का पॉइंट ऑफ व्यू है नॉक्टिलुका, मोनोसाइस्टिस एंड गायडिया, तो आपको उस पर सर्च करना चाहिए। लेकिन हाँ, अब फिलहाल ये नीट का नहीं, ये AIPMT का है, क्योंकि नीट तो हमारा 2013 से स्टार्ट हुआ, तो पहले AIPMT के क्वेश्चंस हैं। तो ट्राइपैनोसोमा, नॉक्टिलुका और मोनोसाइस्टिस एंड गायडिया, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप देख सकते हैं। ट्राइपैनोसोमा के बारे में तो आप लोग जानते हो, लेकिन नॉक्टिलुका, मोनोसाइस्टिस एंड गायडिया, तो ये क्या है? दीज आर ऑल यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट। क्या है ये? यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट हैं। कौन से? ट्राइपैनोसोमा, नॉक्टिलुका, मोनोसाइस्टिस एंड गायडिया। तो हमें इतना तो पता चल गया कि ये यूकैरियोटिक हैं और यूनिसेलुलर हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो इन द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन रखता है ब्लू ग्रीन एल्गी को, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को, और मेथनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया को? दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो मोनेरा होता है उसमें बैक्टीरिया होते हैं, वो भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, और बैक्टीरिया हमारे प्रोकैरियोट्स होते भी हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो बहुत पहले आया हुआ था, बहुत पहले डेवलप हुए थे ना, जिनमें विकास कम हुआ था, वो हमारे प्रोकैरियोट्स सेल्स थे, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बने हुए थे, वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं थे, वही तो हमारे प्रोकैरियोट्स थे। और उन प्रोकैरियोट्स को हम किसमें रख दिए थे? मोनेरा में रख दिए थे। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मेथनोजेनिक बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ये हमारे मोनेरा के पार्ट हैं। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें, दोस्तों है कि इन फाइव किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये फाइव किंगडम सिस्टम में मेन बेसिस क्लासिफिकेशन का क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस नहीं था। ऑप्शन बी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन था भाई, ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक हमने चर्चा किया हुआ है, और हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स एनिमल्स सब की चर्चा किया गया था, कौन ऑटोट्रॉपिक है कौन हेटरोट्रॉपिक है, किन में ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो मोनेरा सबसे ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। फिर है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल पर चर्चा किया गया था, बट ये बहुत मेन बेसिस क्लासिफिकेशन का नहीं था। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की बात की गई थी कि भाई सेल वॉल की स्ट्रक्चर की नहीं, कह लो तो किससे मिलके बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है कि पॉलीसेक्राइड से बना हुआ है, ठीक है, इन पर चर्चा किया गया था कि किन में सेलुलोज हैं किन में सेलुलोज नहीं है, कौन काइटिन से बना हुआ है। फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज अ मोड ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया, हम सभी जानते हैं, कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इकोलॉजिकल लाइफ स्टाइल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट्स आर कंसिडर्ड इज, जिसमें बहुत सारे गुणों को रखा जाए, ट्रेट्स को रखा जाए, उसको हम कौन सा क्लासिफिकेशन में कहते हैं, जिनमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट्स को हम तुलना करते हैं, कंपेरिजन करते हैं क्लासिफिकेशन में। ऑप्शन ए है कि आर्टिफिशियल सिस्टम, ऑप्शन बी है सिंथेटिक सिस्टम, ऑप्शन सी है नेचुरल सिस्टम, एंड ऑप्शन डी है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। दोस्तों करेक्ट आंसर है नेचुरल सिस्टम, क्योंकि देखो आर्टिफिशियल सिस्टम जो क्लासिफिकेशन होता है वो कंपेरिजन होता है एक से दो करेक्टर, या फिर कुछ करेक्टर, 1-2 और फ्यू करेक्टर्स पे जो हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है, ये एक या दो करेक्टर्स या कुछ करेक्टर्स पर तुलना करता है और क्लासिफाई कर देता है ऑर्गेनिज्म को। फिर सिस्टम बेस्ड ऑन लार्ज नंबर ऑफ अगर बात करें तो होता है नेचुरल करेक्टर, आर ट्रेड्स इज नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज बाई, इसको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया गया था डी जियोसिस। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंडिकेट्स द इवोल्यूशनरी या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और फाइलोजेनेटिक की अगर हम बात करें तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या इंडिकेट करता है? इवोल्यूशनरी और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 7, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन ए यूटिलिटेरियन सिस्टम, ऑप्शन बी हैबिट्स, ऑप्शन सी ओवरऑल सिमिलरिटीज, एंड ऑप्शन डी कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट। एंड करेक्ट आंसर इज कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट। द फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय एडोल्फ इंग्लर एंड हिज एसोसिएट कार्ल पैरेंटल इन दियर मोनोग्राफ। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पहली बार ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किनके द्वारा प्रपोज्ड किया गया? एडोल्फ एंगलर, ADOLF
एडोल्फ एंगलर एंड हिज एसोसिएट कार्ल पैरेंटल इन दियर मोनोग्राफ डाई नेचुरल लाइकेन पेफलैंजेन फैमिलीन इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी सिक्वेंस एंड जेनरिक रिलेशनशिप एमंग द ऑर्गेनिज्म हेंस दिस सिस्टम इज हाईली डायनेमिक नॉट स्टैटिक फॉसिल्स रिकॉर्ड्स प्ले अ वाइटल रोल इन इल्यूसिडेशन ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड दिस सिस्टम हैज लेड टू अ न्यू सिस्टमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 8 आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज फर्स्ट यूज बाई ऑप्शन ए लिनियस ऑप्शन बी डी कैंडोले ऑप्शन सी प्लिनी द एल्डर एंड ऑप्शन डी बेंथम एंड हुकर एंड करेक्ट आंसर इज आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन पहली बार यूज किया गया था प्लिनी द एल्डर के द्वारा ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड इन टैक्सोनॉमी ओनली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी द करेक्टर्स ऑब्जर्वेबल विथ नेकेड आई वेयर द सोल क्राइटेरिया टू क्लासीफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स थियोफरेटस गेव द नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ 480 plants in his book Historia Plantarum on the basis of their habit but Pliny the Elder introduced the first artificial system of classification in his book Historia Naturalis and he classified both plant and animals question number 9 system of classification used by Linnaeus was option a natural system option b artificial and option c phylogenetic system and option d asexual system And correct answer is artificial system. Linnaeus put forward artificial system of plants classification which was based on sexual characters. It is commonly also called as sexual system of plant classification. Question number 10. Classification given by Bentham and Hooker is option A artificial, option B natural and option C phylogenetic and option D numerical and correct answer is Bentham and Hooker क्लासिफिकेशन नेम इज नेचुरल क्लासिफिकेशन तो जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर हैव गिवन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दियर नेचुरल रिलेशनशिप आर टेकन इंटू कंसिडरेशन एंड विच हेल्प्स इन bringing out maximum number of similarities in a group and comparable difference with other groups of organisms. For example, mammals are characterized by the presence of mammary glands, hairs, viviparity and four-chambered heart, etc. Topic 2 Monera. Which of the following found in extreme saline condition? Option A, Eubacteria, Option B, Cyanobacteria, Option C, Mycobacteria, and Option D, Archaebacteria. And correct answer is Option D, Archaebacteria. Archaebacteria are able to survive in harsh condition due to the presence of branched lipid chain in the cell membrane. And that reduce fluidity of cell membrane. It includes halophiles, which are exclusively found in saline habitat. Question number 12. Which of the following components provides sticky character to the bacteria cells? Option A, nuclear membrane. Option B, plasma membrane. Option C, glycocalyx. And option D, cell wall. And correct answer is glycocalyx. Sticky character of the bacterial walls is due to glycocalyx, which is rich in glycoprotein. Question number 13. Which among the following are the smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to the plants as well as animals, and can survive without oxygen? Option A, Pseudomonas. Option B, Mycoplasma. Option C, Nostoc. And option D, bacillus. And correct answer is option B, mycoplasma. Mycoplasma are smallest prokaryotes lacking cell wall and are paleomorphic in nature. These are pathogenic to both plants and animals. Question number 14.
which of the following structure is not found in prokaryotic cell? Option A, ribosome. Option B, mesosomes. Option C, plasma membrane. And option D, nuclear envelope. And correct answer is nuclear envelope. Nuclear envelope is not found in a prokaryotic cell. Question number 15. The structure that helps some bacteria to attach to rock and our host tissue are option A, fimbriae. Option B, mesosomes. Option C, hold fast. Option D, rhizoids. And correct answer is option A, fimbriae. The structures that helps some bacteria to attach to rocks or host tissue are option A, fimbriae. Fimbriae assist some bacteria in attaching to rock or host body by obtaining establishment and nutrition. Question number 16. Archaebacteria differ from eubacteria in option A, cell membrane. Option B, mode of nutrition. Option C, cell shape. Option D, mode of nutrition. Mode of reproduction. Archaebacteria differ करता है eubacteria से, तो correct answer है cell membrane. दोनों के cell membrane का जो structure होता है वो आपस में differ करता है, इसलिए archaebacteria और eubacteria आपस में differ करते हैं. Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure. They like peptidoglycan in cell wall and possess a monolayer of branched fatty acid attached to glycerol by ether bonds in their cell membrane. Question number 17. The motile bacteria are able to move by option A, fimbriae. Option B, flagella. Option C, cilia. And option D, pili. The motile bacteria are able to move by option B, flagella. Motile bacteria have thin filamentous extensions on their cell wall called flagella. Question number 18. Which of the following are likely to be present in deep sea water? Option A, eubacteria. Option B, blue-green algae. Option C, is saprophytic fungi. And option D, archaebacteria. And correct answer is archaebacteria. कौन सबसे deep sea water में present होता है? Archaebacteria. क्योंकि archaebacteria harsh habitat में भी रह सकता है. मतलब typical habitat जिसमें बहुत organism survive नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर भी हमारा archaebacteria survive कर पाता है, क्योंकि इनके cell wall का structure different होता है बाकी bacteria से. तो archaebacteria live in some of the most harsh habitats such as extreme salty area, halophiles, hot springs, thermohistophiles, and mainly and marshy area, methanogens, and in deep sea water. Question number 19. Specialized cell for fixing atmospheric nitrogen in nostocks are option A, echinates. Option B, heterocyst. Option C, hormogonia, and option D, nodules. And correct answer is heterocyst. Nitrogen fixing bacteria nostocks के पास एक special cell होता है जिसकी वजह से वो nitrogen fixation कर पाता है, वो होता है heterocyst. तो heterocysts are large sized thick walled specialized cells which occur in terminal, intercalary or lateral position in filamentous cyanobacteria. Example, nostoc. They have enzymes nitrogenase and are specialized to perform biological nitrogen fixation. Question number 20. The most abundant prokaryotes helpful to human in making curd from milk and in production of antibiotics are the ones categorized as option A, cyanobacteria. Option B, archaebacteria. Option C, chemosynthetic autotrophs. And option D, heterotrophic bacteria. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा heterotrophic bacteria. और ये भी हमारा क्वेश्चंस बिल्कुल NCERT का आया हुआ क्वेश्चंस है. The most abundant जो prokaryotes होते हैं, helpful होते हैं human के लिए, वो क्या होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया था. तो ऐसा जो most abundant prokaryote होता है और ये making curd from milk and in production of antibiotics are the heterotrophic bacteria, जिसे हम lactobacillus bacteria कहते हैं. ये क्या करता है, convert करता है milk को curd में. Question number 21 की बात करें, the cyanobacteria are also referred to as option A, protist. Option B, golden algae. Option C, slime molds. And option D, blue green algae. हम सभी जानते हैं cyanobacteria क्या होता है,
ब्लू ग्रीन एल्गी, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो साइनोबैक्टीरिया आर रेफर टू एज अ ब्लू ग्रीन एल्गी, दे परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, दे आर मोस्ट सक्सेसफुल ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ एंड विच आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, फ्रेश वाटर, सी वाटर, साल्ट, मार्स, मॉइस्ट रॉक्स, ट्री ट्रंक्स एंड मॉइस्ट सॉयल्स, हॉट स्प्रिंग्स एंड फ्रोजन वाटर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इन द लिस्ट गिवन बिलो आर ऑटोट्रॉप्स, कौन कौन से ऑटोट्रॉप्स हैं। लैक्टोबैसिलस हम सभी जानते हैं हेटरोट्रॉपिक होते हैं, नॉस्टॉक, कारा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइस, सैक्रोमाइस, ट्राइपैनोसोम्स, पोरफायरा एंड उल्फिया, एंड करेक्ट आंसर इज 6। कितने 6। ऑटोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट आर एबल टू मेक इनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब जो अपना भोजन खुद बनाए, फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स बाय यूजिंग द बेसिक सनलाइट। तो नॉस्टॉक होगा, कारा हुआ, पोरफायरा हुआ एंड उल्फिया, ये हमारे क्या है, फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं। नॉस्टॉक, कारा, पोरफायरा एंड उल्फिया आर फोटो ऑटोट्रॉप्स, वाइल नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर आर कीमो ऑटोट्रॉप, आर कीमो ऑटोट्रॉप। तो टोटल कितने हुए, 6। इन क्वेश्चन नंबर 23, यू बैक्टीरिया अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल इज, ऑप्शन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी राइबोसोम्स एंड ऑप्शन डी सेल वॉल्स। यू बैक्टीरिया सेलुलर कंपोनेंट क्या होता है, रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यू बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक बट यू बैक्टीरिया आर इंक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक यूकैरियोटिक सेल्स। यू बैक्टीरिया हमारा बैक्टीरिया होता है और बैक्टीरिया में हम जानते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल रिजेंबल्स होता है यूकैरियोटिक सेल्स के, बाकी न्यूक्लियस तो नहीं पाया जाता है, राइबोसोम्स नहीं पाए जाएंगे, राइबोसोम्स हो भी सकता है बट सेल वॉल बट रिजेंबल्स की यहाँ पर बात किया गया था। तो रिजेंबल्स हमारा किन से होगा, यूकैरियोटिक सेल्स में किससे रिजेंबल करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, तो ऑर्गेनिक कॉल्ड मेथनोजेंस, ठीक है, ओ ऑर्गेनिजम्स, कौन से ऑर्गेनिजम जिसे हम मेथनोजेंस कहते हैं, आर मोस्ट एबंडेंट इन ए, कहाँ पाए जाते हैं, कैटल यार्ड में, किसमें, कैटल यार्ड में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रूमिनेंट एनिमल्स के किसमें पाए जाते हैं, गट में पाए जाते हैं, अतड़ी में पाए जाते हैं। तो मेथनोजेंस आर आर्किबैक्टीरिया एबंडेंट इन कैटल यार्ड्स एंड पैडी फील्ड्स, और पैडी फील्ड्स में पाए जाते हैं जहाँ पर नमी रहती है, दलदली इलाकों में। फिर है कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कास्ड बाय अ स्पीसीज ऑफ, एंड ऑप्शन ए जैंथोमोनास, ऑप्शन बी सुडोमोनास, ऑप्शन सी अल्टरनेरिया एंड ऑप्शन डी इरविनिया। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस किसकी वजह से होता है, जैंथोमोनास, सभी तो नहीं जानते होंगे, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस किसकी वजह से होता है, जैंथोमोनास की वजह से होता है, किसकी वजह से, जैंथोमोनास। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय अ स्पीसीज जैंथोमोनास। मैच्योर राइस प्लांट आर इन्फेक्टेड बाय दीज बैक्टीरिया, लेसियन बिगिन एज वाटर सोक्ड स्ट्राइप ऑन द लीफ ब्लेड्स एंड इवेंचुअली वुड इंक्रीज इन लेंथ एंड विड्थ बिकमिंग येलो टू ग्रेइश वाइट अंटिल द इंटायर लीफ ड्राइज अप। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें, तो इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटू 3 डोमेन ऑफ लाइफ, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आर्किया। ऑप्शन ये है कि आर्किया रिजेंबल्स यूकैरिया इन ऑल रेस्पेक्ट, नहीं, आर्किया हैव सम नोबल फीचर दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, सही बात है, आर्किया के पास कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे प्रोकैरियोट्स में भी नहीं पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में भी नहीं पाए जाते हैं, इसलिए आर्किया एक नया किंगडम बन जा रहा है। तो अ डोमेन ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग आर्किया इंक्लूडिंग द मेथनोजेंस विच प्रोड्यूस मीथेन्स एंड द थर्मोएस्ट्रोफिलिक बैक्टीरिया विच लिव्स इन एक्सट्रीम हॉट एंड एस्टिक इन्वायरमेंट्स, द हेलोफिलिक बैक्टीरिया विच कैन ओनली फंक्शन एट हाई साल्ट कंसनट्रेशन आर एबंडेंट इन द वर्ल्ड ओशन। क्वेश्चन नंबर 27, थर्मोकोकस मेथनोकोकस एंड मेथनोबैक्टीरियम एग्जाम्पलीफाई, ऑप्शन ए है कि आर्किया दैट कंटेंस प्रोटीन होमोलॉगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन,
ऑप्शन बी है कि आर्किबैक्टीरिया दैट लैक एन एनी हिस्टोन रिजेंबलिंग इज फाउंड इन यूकैरियोट्स बट हुज डीएनए इज नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड। ऑप्शन सी है कि बैक्टीरिया हुज डीएनए इज रिलैक्स्ड आर पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड बट विच हैव अ साइटोस्केलेटन एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। एंड ऑप्शन डी है बैक्टीरिया दैट कंटेन्स अ साइटोस्केलेटन एंड राइबोसोम्स। एंड करेक्ट आंसर इज आर्किबैक्टीरिया दैट कंटेन्स प्रोटीन होमोलॉगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन। तो थर्मोकोकस मेथनोकोकस एंड मेथनोबैक्टीरियम एग्जाम्प्लीफाई आर्किबैक्टीरिया दैट कंटेन्स प्रोटीन होमोलॉगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग। कौन सा गलत है माइकोप्लाज्मा के बारे में? दोस्तों माइकोप्लाज्मा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऑप्शन ए है कि दे आर पेलियोमॉर्फिक। हाँ दे आर पेलियोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा का एक क्वेश्चन और आया हुआ था, हम पीछे बताए हैं कि माइकोप्लाज्मा क्या होता है, पेलियोमॉर्फिक होता है। फिर ऑप्शन बी है दे आर सेंसिटिव टू पेंसिलिन। क्या ये सेंसिटिव होता है पेंसिलिन के? फिर नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर है ऑप्शन सी दे काजेज डिजीज इन प्लांट्स। हाँ ये क्या होता है, पैथोजेंस होते हैं प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। दे आर आल्सो कॉल्ड पीपीएलओ। हाँ ये पीपीएलओ कहे जाते हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स के सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं और इनमें सेलवाल नहीं पाया जाता है, तो दे आर आल्सो कॉल्ड पीपीएलओ। ये भी सही है, बस गलत क्या है, दे आर सेंसिटिव टू पेंसिलिन, ठीक है दोस्तों। तो व्हाइल वर्किंग एट द रॉकफेलर इंस्टीट्यूट ब्राउन रिपोर्टेड आइसोलेशन ऑफ ए पीपीएलओ फ्रॉम ह्यूमन आर्थिटिक जॉइंट टिश्यू इन 1938। इन 1949 डेनिस रिपोर्टेड टू द 7th इंटरनेशनल र्यूमोलेटोलॉजी कांग्रेस द आइसोलेशन ऑफ पीपीएलओ फ्रॉम जेनिटोरेनरी ट्रैक्ट ऑफ मेन एप्लीकेटेड विद द आर्थिटिस। इन डिस्कसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस ब्राउन रिपोर्टेड सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ आर्थिटिक पेशेंट इन 1949 विथ न्यू एंटीबायोटिक कॉल्ड एवरोमाइसिन क्लार्क 1979। अजीब सा बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन ये जान लो कि हाँ ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ये बाहर का क्वेश्चन है कि दे आर सेंसिटिव टू पेंसिलिन, ठीक है। आपको केवल माइकोप्लाज्मा के बारे में डिस्कस किया गया है, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा गया है कि ये सेंसिटिव होते हैं पेंसिलिन के, ये तो थोड़ा सा बाहर का क्वेश्चन है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का, तो इन विच ऑफ द एनिमल्स डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस इज फाउंड। किस में डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस फाउंड होता है? ऑप्शन ए है कि अमीबा प्रोटियस, ऑप्शन बी है ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम बाइबैक्स एंड ऑप्शन डी है पैरामीशियम काउडेटियम। एंड करेक्ट आंसर इज पैरामीशियम काउडेटम। और ये भी हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, तो पहले दोस्तों एआईपीएमटी में एनसीईआरटी के बाहर के भी क्वेश्चन आते थे, लेकिन अगर अब की बात की जाए प्रेजेंट टाइम में नीट में फोकस है, ज़्यादा फोकस है एनसीईआरटी की तरफ। हाँ कुछ 8-10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन में से 8-10 या 15 क्वेश्चन बाहर के हो सकते हैं। तो पैरामीशियम हैज टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, अ लार्जर मैक्रो न्यूक्लियस। तो जो हमारा पैरामीशियम होता है उसमें दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक लार्जर न्यूक्लियस होता है जिसे माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, इन्वॉल्व विद द वेजिटेटिव एक्टिविटीज, ये वेजिटेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, एंड स्मॉलर इन्वॉल्व विद रिप्रोडक्शन। और जो स्मॉलर न्यूक्लियस होता है वो इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें, तो द मोस्ट थ्रूअली स्टडीड फैक्ट ऑफ द नॉन बैक्टीरिया प्लांट इंटरेक्शन इज द, ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरियल सिम्बायोसिस विद सम एक्वेटिक फर्न, ऑप्शन बी गॉल फॉर्मेशन ऑन सर्टेन एंजियोस्पर्म्स बाय एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन सी है नोडुलेशन ऑफ सेस्बियानिया स्टेम्स बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एंड ऑप्शन डी है प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेशन बाय फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। एंड करेक्ट आंसर इज है गॉल फॉर्मेशन ऑन सर्टेन एंजियोस्पर्म by agrobacterium. So the most thoroughly studied fact of the known bacterial plant interaction is the gall formation on certain angiosperm by agrobacterium. ये भी बाहर का क्वेश्चन है, NCERT में नहीं दिया गया है। तो this phenomena has been successfully used in genetic engineering. ये phenomena successfully used कहाँ किया गया? Genetic engineering में, and to produce disease resistant varieties of plants. ओके दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके भी हमें बताओ कि आपको कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए, और कमेंट करके ये भी बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करो और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ यार। और हम आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते रहेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। और हम 5 महीने में नीट को क्लियर करके भी दिखाएंगे। यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, और एनसीईआरटी डिस्कशन किया जाएगा, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे, और अगर टाइम मिला तो बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। तो दोस्तों बने रहो चैनल के साथ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करो और सब्सक्राइब करो।